गुड मॉर्निंग है ना बच्चों एवरीवन, वी विल है ना स्टार्ट मैथमेटिक्स फर्स्ट लेक्चर ऑन डिफरेंशिएशन। ओके, तो हम सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन है ना बेसिक फंक्शन का क्या हो सकता है डिफरेंशिएशन। बाद में इसका मीनिंग समझेंगे है ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या है। ठीक, अभी बस समझेंगे। जैसे पहले sin x का है ना डी बाई डी एक्स, और यहाँ हो sin x। ओके, तो जो sin x का जो डिफरेंशिएशन होगा इसका प्रूफ है ना बाद में होगा। अभी फिलहाल सीख लो कि sin x का जो डिफरेंशिएशन होगा cos x होगा, sin का cos, और यहाँ देखना यहाँ क्या है x है तो यहाँ भी x होगा, यहाँ अगर 2x होगा यहाँ भी 2x होगा, 3x होगा 3x होगा, फिर फर्दर उसका फिर है ना डिफरेंशिएशन होगा। जैसे एक एग्जांपल है ना डी बाई डी एक्स, सपोज करो यहाँ क्या है साइन 3x है। ठीक, तो पहले यहाँ क्या है साइन, तो साइन का अपन क्या लिखेंगे कॉस, और साइन के साथ कौन है उसका पार्टनर 3x, तो यहाँ पार्टनर 3x होगा। अब उसके बाद है ना, अब तक हमने साइन का किया है, साइन का डिफरेंशिएशन हो गया, टिक करो। अब आगे चलो, अब आगे क्या मिला 3x मिला, तो 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 तो कांस्टेंट है 3 बाहर होगा, और क्या है x है, तो x का डिफरेंशिएशन क्या 1, तो ये हो गया 3 इंटू कॉस 3x, किसका डिफरेंशिएशन हो गया साइन 3x का। एक्चुअली यहाँ जो मैंने अप्लाई किया वो चैन रूल अप्लाई किया। ओके, क्या अप्लाई किया चैन रूल है ना, रूल में मत जाए है ना, रूल में ज़्यादा जाएंगे तो फंस जाएंगे है ना। अब जैसे d बाई डी एक्स है ना, अब साइन एक्स स्क्वायर है ना, साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस होगा, तो आप कॉस लिखे है ना। अब उसके बाद पार्टनर कौन है, साइन का पार्टनर एक्स स्क्वायर है, तो आप यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दे। ठीक, अब हमने किसका डिफरेंशिएशन किया, टिक करो, साइन का हो चुका। अब आगे चलो, आगे कौन मिला एक्स स्क्वायर मिला, तो अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो। आपको मालूम ही है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इस फॉर्मेट से होगा, एक्स रेज टू पावर एन है ना, इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको मालूम ही होगा। क्या करते इसमें है ना, ये एक्स वेरिएबल है, ठीक, और एन क्या है कोई भी नंबर है ना, कांस्टेंट नंबर, ठीक ना, कोई भी कांस्टेंट चीज, तो एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए एक्स क्या होगा यहाँ वेरिएबल होगा। जब भी ऐसा हो तो पावर को आगे शिफ्ट कर दे, पावर आगे आ गया, ठीक, फिर जो भी है एक पावर कम कर दे तो एन माइनस, इधर नहीं हो रहा यार, एन माइनस वन हो जाएगा। ओके, तो वही मैं अप्लाई करूंगा, एक्स स्क्वायर पहले क्या है पावर में 2 है, तो 2 को आप आगे कर दे, 2 आगे आ चुका, हाँ सर 2 आगे आ चुका। अब x है, अब बोले ये 2 में पावर 1 कम कर दे, कितना होगा 1 होगा सर, तो 1 है ना, इस तरह है ना चैन रूल अप्लाई करे है ना डायरेक्ट। यहाँ तक क्लियर है? ओके, ठीक है।